तुमने तो डरा ही दिया था मुझे जेबो, क्या हुआ था तुझे? है बेहोश कैसे हो गई थी? ये ले। वो इतना को नन्ना सा तो दिल है मेरी शहजादी का, मुर्गी को जेबो होते देखे तो डर गई है। और बड़ी ईद पे तो बच्चा जेबा करने का सोच रहा हूँ, वो कैसे देखेगी? तू ये गरम गरम यखनी पी, थोड़ी ताकत बना, चल आ जा उठ, आ जा मेरा पुत्र, हिम्मत कर। और ये ले, ये पी ले, चल। जी कहाँ जा रही हो? ले, अभी सारे जो कपड़े पहले पड़े हैं उनको नहीं उठाना मैंने। मी जी देखो, चल तू आराम से यखनी पी, मैंने अभी सालन भी तो बनाना है, 100 काम पड़े मेरे। चल मुमताज तू भी जा आप दुकान पे, कब से खाली पड़ी हुई है। ठीक हो गई अब तेरी रानी खैरी सल्ला। हाँ जा ही रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, मीरा को तो बड़ी इंग्लिश आती जा रही है। जी स्कूल जाती थी, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं उधर। याद आया, तुम तो 8 जमाते पास हो। हाँ आप लोग जी मजाक बनाते हैं। नहीं नहीं वो तुम्हारी बेबी उस दिन बहुत मजे से कह रही थी ना कि तुम 8 जमाते पास हो, बस वही याद आ गया। घर के हालात अच्छे नहीं है हमारे, ठीक टाइम पे दाखला हुआ होता तो मैट्रिक हो गया होता। तो आप कर लो, आप कौन सी इतनी बड़ी हो गई। ये देखो, ये बन जैसा। हाँ तुम बन समझ के खा लो। चलो स्टूडियो चलते हैं, मैं नजीर से कहता हूँ मेरी कॉफी वहीं ले आया और तुम्हारी लस्सी भी। हम जी हर वक्त लस्सी नहीं पीते, चाय भी पी लेते। चलो चाय पी लेना, अभी यहाँ से चलते हैं, तुम्हारी बेबे ने देख लिया ना सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ जाएगी। बेबे कहती है आप लोग बड़ा ही बेसुरा गाते हैं, मेरे को तो अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी बेबे मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन समझती है, बस उसका दिल चाहता है तुम मुझसे बहुत अच्छा गाओ। उसे तो लगता है कि मैं ऑडिशन में गाऊंगा तो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। बेबे ऐसी है जी, उसे अपनी खुशी दुख नफरत प्यार छिपाना नहीं आता, दिल साफ है उसका। वो तो है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम, आओ शीदा आओ। क्या हाल है? आपकी तबीयत का पूछना था, पैर की सोज कैसी है? अब तो तकलीफ तकरीबन खत्म हो गई है और देखो सूजन भी काफी कम है। हाँ अल्लाह का शुक्र है। वैसे तुम्हारी जो ये हल्दी वाली दवा है ना, जादू है इसमें। मैं तो समझ रही थी मैं सुबह सोकर उठूंगी तो तकलीफ और सूजन ज्यादा हो चुकी होगी, मगर अब तो तकरीबन खत्म ही हो गई। हाँ जी ये हमारी हल्दी वाली मल्लम जो है ना बहुत मशहूर है, बहुत कामयाब है। तुम तो बड़े काम की औरत हो शीदा। मुझे असल में आज एक बड़ी जरूरी कॉन्फ्रेंस के लिए कराची जाना था, अब इस चोट की वजह से मैं समझ रही थी कि अब मैं सफर नहीं कर पाऊंगी, मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम्हारी वजह से मैं कराची जा सकूंगी। मेहरबानी जी। नाश्ता किया तुमने? हाँ जी 2 परौठे। यार मिली कितना सो गई यार, खुदा का खौफ करो। 3 दिन रह गए हमारे पास और हारिस किधर है?
उठाओ उसको यार, पता नहीं क्या सारे घोड़े गधे बेच के सोया हुआ है, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। ओके हाँ, मैं और मीरा स्टूडियो में ही है, प्लीज जल्दी आओ यार। ओके मिली उठ गई। हाँ उठाया मुश्किलों से, अब हारिस को उठाने गई है। मीरा ये गाना सुनो जो कल हमने रिकॉर्ड किया है, और इसको बिल्कुल ऐसे नहीं सुनना कि हमारा गाना है, ठीक है? ऐसे सुनना जैसे किसी और का गाना है, और इसमें से चुन चुन के गलतियाँ निकालनी है जैसे क्रिटिक्स करते हैं ना। जी वो क्या है भाई, जो लोगों की गलतियाँ निकालते हैं ना, बहुत गौर से सुनना है, और जितनी गलतियाँ निकाल सकते हैं निकालें, ताकि हमारा फाइनल वर्जन बहुत अच्छा हो। ओके ये अपने कान में लगाओ, इसको ऐसे लगाओ, ये वाला लगाओ इस कान में, आवाज आ रही है? जी अपनी आवाज ऐसे सुनना बड़ा अजीब लगता है। कितना अच्छा गाती हो तुम मीरा, मुझसे तो बहुत ही अच्छा। जी आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे। मीरा मैं मजाक नहीं कर रहा, और म्यूजिक के मामले में तुम्हें वैसे भी झूठ नहीं बोलता, वाकई बहुत अच्छा गाती हो। नहीं जी मेरे को तो आप लोगों जैसा गाना ही नहीं आता, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है गाना, मैं तो ऐसी बेबे को सुन के बस थोड़ा बहुत। मुझे नहीं पता तुमने सीखा हुआ है कि नहीं, जो तुम्हारी आवाज में खनक है, खास तौर पे जो फील जिस तरह तुम लफ्जों को अदा करती हो, एक बार मजा आ जाता है, वाकई बहुत अच्छा गाती हो। अभी गौर से सुनो और अपनी नहीं मेरी गलतियां लगा लो। साहब कहाँ है? साहब गार्डन में। ओ लो आप यहाँ खड़े, मुझसे तो कह रहे थे कि मैं लेट करवा रही हूँ, और खुद खड़े गार्डन का मुआयना कर रहे हैं। अरे भाई हमारे लॉन में रौनक लगी है, ये देखने के लिए रुक गया था। ऐसे मुनीरा कमाल हो गया, सीजन के इतने खूबसूरत फूल, ये सारे नए प्लांट्स, हफीज साहब ने क्या दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया, या तुमने कोई नया माली रखा? जी नहीं, ये सब शीदा की एफर्ट्स हैं। सुबह से शाम तक गार्डन में काम करती है, पौधों को खुद ही पानी देती है, खाद भी मंगवा के डलवाई है, और तो और हफीज को डांट डांट कर काम भी करवाना शुरू कर दिया उससे। ये तो कमाल कर दिया उन्होंने, वाकई हमारे बाग को बागो बहार कर दिया, मेरी तरफ से उसे बहुत शाबाश दे। जरूर दे दूंगी, वैसे शीदा है बड़े मजे की औरत, हर काम में घुस जाना। शुरू शुरू में तो मैं जरा इरिटेट होती थी, मगर अब मैं उसकी नेचर समझ गई हूँ, है बहुत सच्ची खड़ी और ईमानदार। अपनी मिली का तो आपको पता ही है कितनी लापरवाह है, अपनी चीजें इधर उधर छोड़ देती। अभी परसों की बात है कि उसने अपनी गोल्ड की चेन लाउंज में छोड़ दी, शीदा भी वहीं मौजूद थी। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने देखा ही नहीं, आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे वो चेन वहीं की वहीं पड़ी थी, शीदा ने नजर उठाकर भी नहीं देखा उसकी तरफ। और कल मेरे लिए एक हर्बल दवा बना के ले आई, पहले तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगवा रही, मगर उन्हें जिद की तो लगा ली, और अब जबकि मेरी तकलीफ तकरीबन ठीक हो चुकी है तो दुआएं दे रही हूँ शीदा को। चलो जी मिली के बाद हमारी बेगम साहिबा की ये दोनों खवातीन भी फेवरेट हो चुकी है, हा? अच्छा आप लेट नहीं हो रहे, चले चलिए। हारिस यार छोड़ दे फेसबुक का पीछा यार, 3 दिन रह गए हमारे पास, उसमें से भी आज का दिन तो निकल गया था। आ रहा हूँ यार एक सेकेंड। अच्छा मैंने हमारे बैंक के लिए एक फेसबुक पेज बनाया है, तो जरा लाइक्स चेक कर लूँ और एक और पोस्ट कर दूँ। से छोड़ो, कल हमने मीरा को शॉपिंग लेके जाना है और फिर सैलून लेके जाना है, ठीक है? मैंने उसकी लुक डिसाइड कर ली है और कल हमने जरूरी जाना है।
ओके? एक्चुअली सही बात है, मैं खुद सोच रहा था कि इसके हुलिये का क्या करें। नहीं जी, क्या हुआ मेरे हुलिये को? मैं कोई और कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसे जाओगी हमारे साथ ये तेल की दुकान बन के? आप भी तो लड़कियों की तरह चोटी बनाते हैं। हेलो, ये चोटी नहीं फैशन है। नहीं जी, मेरे वाल नहीं बन सकते तेल के बगैर। खबरदार अगर तुमने कल तेल लगाया, रियली मेक श्योर ये कल अपने सर पे ये तेल ना डाले। अगर तुम एक दिन भी तेल ना लगाओ ना, तो ये पाकिस्तान में तेल की कमी खत्म हो जाए। तेल के बगैर बात। देखो मीरा, तुम्हें अपना हुलिया बदलना तो पड़ेगा ना, वरना तुम हमारे बैंड का हिस्सा नहीं लगोगे। प्लीज। हद है यार, 3 दिनों में सिर्फ 30 लाइक। मैंने हमारे सब दोस्तों को बोला था कि पेज ज्वाइन कर लिया, किसी एक ने भी लाइक नहीं किया अभी तक। एक बार हमारा बैंड मशहूर हो जाए ना, और जब ये सब मेरा ऑटोग्राफ पूछ रहे हैं, मैं किसी एक को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। Too modern for her. ऐसा ना अपना अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दे। आई थिंक आई नो हम इसके कपड़े कहाँ से खरीद सकते। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। चलो चलो चलो। ओ मीरा, खलो जा खलो जा खलो जा। एक मिनट, हे दे बन जा, हे दे बन जा, हे दे बन जा। क्या है बेबे? एक मिनट ठहर जा। तेरी नजर उतारना, पहली बारी मेरी धी टीवी पे गाने के लिए जा रही है ना, माशाल्लाह। तेरे को नजर ना लग जावे तहीं मैं मिर्चा को वार के मैं साड़ के स्वा कर देंगी। देखी ये क्या कर रही है बेबे? एक मिनट, बिस्मिल्लाह। मेरी बात सुन, जिस वक्त गाना शुरू करे ना, तो आंस लेके शुरू करी, रचा के गावी सुरा को। मेरे वाल ना देखी इस नखरे पिटिया वाल, तो जिस वक्त मेरी धी ने गाना ना माशाल्लाह, मेरे वाल किसे तकना नहीं। तू देखी शीदा आंटी कितनी क्यूट है ना। तुम्हें ही लगती है आंटी क्यूट। इतना दिल पे ना लो यार, सही तो कह रही है। चलो जा रही है, चल। मां सदके जा, मां सदके जा। ग्रेट पाकिस्तानी बैंड के लिए आप देख रहे हैं वहां पे जोश और खरोच। मीरा डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, मेरे को तो जी बड़ा डर लग रहा है, इधर तो बहुत लड़के लड़की। मीरा डरने की कोई बात नहीं, सब लोग भी हमारी तरह पहली दफा किसी टीवी चैनल पे ऑडिशन कर रहे हैं। हाँ, और अगर ये लोग दूसरी या तीसरी बार आए, उसका मतलब है कि पहले ये लोग रिजेक्ट होकर गए थे। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं पहली दफा हदीका एचएस वाले मुंह से मिलूंगी। मैं तो इनकी ऑटोग्राफ भी लूंगी और उनके साथ पिक्चर भी खिंचवाऊंगी।
हाँ हाँ, इसलिए तो आए हैं तुम्हारे साथ पिक्चर्स लेने और तुम्हें ऑटोग्राफ देने। अच्छा मीरा, याद रखना तुम्हारा नाम मीरा नहीं फरवा है, फरवा मुराद। ओके प्लीज ये मत भूलना। प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स के पास हमारे बैंड की सारी डिटेल्स मौजूद हैं और उनमें हमारी फीमेल वोकलिस्ट का नाम फरवा है। ओके नहीं जी, मेरा नाम तो मीरा है, हमको पता लग गया तो फिर? अगर तुम नहीं बताओगी तो उन्हें कैसे पता लगेगा? और वैसे भी वंस हमारा बैंड सेलेक्ट हो जाए तो तुम अपना नाम मीरा ही बताना, ठीक है? हम कह देंगे कि डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा नाम फरवा था और अब तुमने मीरा नाम चूज किया। ओके मोबाइल को भी देख। और जमशेद तू? क्या बात है यार, तू यार कैसे? हैरान रह गया ना देख के। तू क्या समझा था कि मैं जेल में ही सड़ता रहूंगा और तू यहां दुकान खोल के मजे लेता रहेगा? छोड़ यार, और गलत सोच रहा है तू। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कि खाचे थोड़ी है, सियाना आदमी है, पैसे पूछो दे के निकल आया होगा। दिखा दी ना अपनी औकात तूने। मैं मुश्किल में क्या फंसा, पलट के पूछा तक नहीं तूने और अपना नंबर तक तब्दील कर लिया। बड़ी बातें करता था, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। और सुन, सोचता रहा हूं मैं तेरे बारे में। ज्यादा बकवास मत कर। तू क्या समझे था मैं तुझे छोड़ दूंगा? एक बात ध्यान में रखना, एक एक पाई का हिसाब लूंगा, एक एक पाई का। और चल, बड़ा आया एक एक पाई का हिसाब लेने वाला। और ये डड्डू की तरह ना ज्यादा टर ना कर मेरे सामने, और डरूंगा तो मैं तेरे प्यो से भी नहीं। जानता नहीं तू मुझे? कोरिया ना करा, आंखें नीचे कर अपनी, नीचे कर। बदमाश, और नंबर तेरे डर से नहीं बदला। वो तो मुझे मुश्ताक ने कहा था कि कुछ दिन नंबर बदल और छुप छुप आ जा। ओ तू की शय, ओ तेरे से डरूंगा मैं? आया, और शुक्र कर लाहौर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया तू। पैसे पूसे देके छुट गया, दुबई में पकड़ा था ना, सारी जिंदगी वहीं की जेल की वाह खानी तूने। और ज्यादा फजूल दी गला ना सुना, तुझे भाई मुश्ताक ने बगैर पैसों के अंडरग्राउंड नहीं बिठाया, बड़े पैसे दिए होंगे। निकाल मेरा हिस्सा। और चल, तेरा हिस्सा और मैं पहले ही कह चुका हूँ, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और जो तू पकड़ा गया ना, तू खुद पकड़ाई गया पुलिस को। और ये मेरी गलती नहीं थी और ना ही किसी और की। और वैसे भी ये काम मर्दों का है। अब एक काम कर, चुप चुपीते अपनी इज्जत अपनी जान बचा के चल, निकल यहाँ से, पत्री घर से निकल। ये जो तू कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। इस चीज का तुझे हिसाब देना होगा। तू जाता या नहीं, बुलाऊं ही आके ऐसे चको, बेली है मेरा, अंदर कर देगा तुझे दो मिनट में। चल फुट, मैं भी तुझे देख लूंगा दो दिन के बाद। चल चल बच्चा, चल निकल यहाँ से अभी, निकल और चल चल चल। क्या मुसीबत है यार, सुबह से बुलाया हुआ और ऑडिशन का कुछ पता ही नहीं है। तुम कहाँ थे यार अब इतनी देर से? यार अब तुम लोगों की तरह मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता, पर थोड़ा मैं थोड़ा इंटेल तो जमा कर लूँ, कुछ पता तो लगे हो क्या आ रहा है। कुछ पता लगा? बेसिकली प्रोड्यूसर्स ने आज 200 बैंड्स को बुलाया था ऑडिशंस के लिए, जिनमें से आज आई थिंक तकरीबन 180 तो आ चुके होंगे। खैर एनीवे, प्रोसेस उनका ये होगा कि सुबह से शाम तक सब बैंड्स की ऑडिशंस होंगी। ये करते करते क्या पता रात हो जाए। रात हो जाएगी, बेबे तो बड़ा परेशान हो। यार तुम चुप करोगी थोड़ी देर मीरा? कुछ नहीं होता, घर फोन कर देंगे तुम्हारी। और क्या बदल? बेसिकली रिजल्ट हमें रात को मिलेगा कि हम सेलेक्ट हुए कि नहीं। बॉटम लाइन ये है कि आज तो सिर्फ 50 मैन सक्सेसफुल होकर आगे जाएंगे। 50? लेकिन इनकी पहले दो सीजन्स में तो 12 एपिसोड थे, 12 मैन सेलेक्ट होते हैं, तो 50 कैसे सेलेक्ट होंगे? उन 50 में से तो भी एलिमिनेशन होंगी ना। आज के बाद 50 बैंड सेलेक्ट होंगी, फिर कल उन 50 में से 25 और एलिमिनेट होंगे, और फाइनली परसों उन 25 में से 12 जो लकी बैंड्स हैं वो फिर जाके परफॉर्म करेंगे। 3 दिन आना पड़ेगा,
जी आना पड़ेगा. एनी प्रॉब्लम? मेरा यार डरो नहीं, जस्ट रिलैक्स यार. जरा मिली को देखो, इतनी रिलैक्स हुई है, इतनी खुशी से वो अपने स्टार्स के साथ पिक्चर्स ले लिया, कोई मसला नहीं है. सज्जो, एक कप दूध पत्ती भेज दे दुकान पे. अच्छा, बात सुन इम्तियाज, दुकान पे सब खैर तो है? अरे है, क्यों, क्या हुआ? वो एक अजीब सा बंदा आया खड़ा था तेरे पास, मुझे लगा जैसे झगड़ा हो रहा है तेरा. और मेरा भला किसके साथ झगड़ा होना है? पता नहीं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था. वो बंदा इस इलाके का भी नहीं था. था कौन? वो मशकूक सा था बड़ा. वो छोड़, पता नहीं कोई मुसाफिर था, अपने रिश्तेदार का होलिया बता के पता पूछा. अच्छा, तो फिर तुझे पता था उसके रिश्तेदार का? अब भला मुझे कैसे पता होगा? वैसे बंदा मुझे ठीक नहीं लगा था देखने में. सुन, आगे से इस तरह कोई अनजान बंदा आया ना तेरी दुकान पे, तो सबसे पहले अपने पैसों वाली दराज को ताला लगा के बंद कर लिया कर तू. ओ चल, नहीं आता मेरी दुकान पे कोई डाकू चोर ऐसी की तैसी. चल दूध पत्ती भेज. बस आई. हीर बन के मैं आना, फिर मैं किते नहीं जाना, तेरे संग जीना मर जा. चल जेबो, चाह जाके ना अब्बे को देख आ. ले जाऊं? हाँ जल्दी कर, ठंडी हो जाएगी, पता नहीं कब से बेचारा इंतजार कर रहा है. चल. मैं नहीं जाऊंगी, तुम जा दिया. मार खानी है तूने मुझसे? हो क्या गया तुझे? जो काम को आप मुंह पे मना कर देती है. चल उठ, जाके देखे अभी. कल से तुझे स्कूल भी भेजू मैं. बड़ी दिल लंबी छुट्टी हो गई तेरी भी और मेरी भी. बाजी जी का फोन भी आया था कि इतने दिन हो गए बच्ची बीमार हुई भी, तो अभी तक आई क्यों नहीं? चल जा भी, चाय ठंडी हो जाएगी. पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को. 100 काम मेरे पड़े हैं और इसके नखरे नहीं खत्म होते. ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब काम तू ही कर ले अम्मी जी. मुबारक हो मीरा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया. आपको भी मुबारक. इतना खुश होने की जरूरत नहीं, हम कुछ ज्यादा खुश हो रहे हैं. अभी ये भी याद रखना है कि कल 2 दिन और ऑडिशन है.
जितनी होप्स हाई हैं उतना एलिमिनेशन का भी खतरा होना चाहिए। तुम एलिमिनेशन के बारे में सोचना, मैं तो सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो लग रहा है हम डेफिनेटली टॉप 12 बैंड्स में शामिल होंगे जो टीवी पे गाएंगे। यस मीरा, यस। हाँ भाई मीरा, तुमने कैसी बात कर दी, तुमने भी ऐसे सोचना शुरू कर दिया। वैसे बहुत अच्छा गाया था तुमने, सीरियसली। जी मेरे को तो जी बड़ा डर लग रहा है, माशाल्लाह। अच्छा जल्दी बता, देखो रख लिया टीवी वाले ने है ना? बेबे ऐसे थोड़े ना मेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। के कह रही है, के कर लिया? बेबे ऐसे थोड़ी ना मेरे को चुन लेंगे गाने के लिए। हाँ सदके जावे मेरी मीरा को तो देखो, देखो लाहौर आंदे इतनी अंग्रेजी आ गई है, बढ़िया बातें कर रही है माशाल्लाह है। कितनी सोहनी लगदी पई है, तते कोई मीटियां बढ़िया सजदियां है। बेबे उधर ऐसी ऐसी सोहनी लड़कियां थी ना, ऐसा ऐसा गाना गा रही थी, तेरी मीरा को किसी ने देखना भी नहीं राशरा ले। चल रहन दे, कूड़ ना होई था। ओ बेबे मामा जी का फोन आया था। हैं क्या पया केंदा सी, ज्यादा तो ठीक है। इने कर मेरी बात करा, किधर तेरा मोबाइल? तेरी माँ को जिंदा जला दूंगा मैं। अम्मी जी जीसूस, क्या हुआ पता? अम्मी जी क्या हुआ पता? क्या हुआ अम्मी जी? फिर डर के ही सोते नहीं, बुरा ख्वाब देखा है क्या? क्या हो गया तुझे ज़ेबो? तेरे पास ही तो हूँ। वो देख अब्बा भी बाहर पेड़ में सो गया, उसको गर्मी लग रही थी कमरे में। दोनों तो तेरे पास है, चल लेट जा, डरने की कौन सी बात है, कुछ भी नहीं हुआ, चल सो जा। हाँ साढ़े घर दी पली हुई माँ है इन्हें थोड़ी ना, पर हाँ हाँ ठीक है, तो सारे पैसे ना खर्च देवी, अपना खर्चा पानी कट के, तो 3500 मेरे वास्ते एक पासे रख छोड़ी। चल ठीक है रब राखा। बेबे मामा रानी को बेच रहा है, क्या करिए पुत्र, उनको पैसे की भी तंगी है, नाले फिर रानी की टहल सेवा कौन करेगा? तो शोदा जाजा बहुत रोंदा पिया, उनको बहुत प्यार है रानी नाल, उदा दूध पी के तो इतना वड्डा होया। मैं आख्या है बाले को साड़ी मीरा वड्डी फनकार बनेगी, बहुत पैसा कमाएगी, टीवी ते आएगी, तो मैं उनको 10 मज्जा ले देंगी। मुझे बेबे तू भी ना, अभी तो मेरे को गाने पे रखा भी नहीं है, तूने मेरे को टीवी पे भी पहुंचा दिया और मशहूर भी करा दिया। चल छोड़ी है मुझे गल्ला ना कर, मेरे को पता है एक बारी तू टीवी ते आ गई ना तो सोना रब देखी कितने पहुंचांदा है तेको, ये तेरी मां दा वादा है तेरे नाल। क्यों जी क्या हो गया है, ज़ेबो स्कूल के लिए आज भी तैयार नहीं हुई? नहीं मुमताज आज फिर तबीयत खराब है इसकी, कहती है सिर में बड़ी दर्द हो रही है, ऊपर से सारी रात डर डर के उठती रही है, चैन से तो सोई नहीं है सारी रात। डरने वाली क्या बात है, मैं घर पे था तो मुझे उठा लेती, बुला लेती मुझे। तनी से हो क्या गया मुमताज, अब तो हर रोज रात को इसी तरह से जी डरती रहती सारी रात, पता नहीं इसको बुरे ख्वाब आते हैं कि, अब तो मैं भी मानती हूँ कि तू इसके लिए मौलवी साहब से तवीज बनवा ही ला। हाँ ठीक है मैं मौलवी साहब से आज तवीज ले आऊंगा, करा ले एक छुट्टी और, जाए तेरे दिन स्कूल नहीं गई तो आज भी नहीं सही, कोई बात नहीं, लेकिन तू काम पे चली जा, बेगम साहब गुस्से में आ जाएंगे, सोच रही पता नहीं कहाँ रह गई तू, छुट्टियाँ हो गई तेरी काफी। पर मुमताज ज़ेबो इसको इस हालत में छोड़ के कैसे चले जाऊं? ले चलिए, मैं किस लिए हूँ, मैं रखूंगा अपनी शहजादी का ख्याल। क्यों तू क्यों फिक्र कर रही है, तू कहती है तो कर्मे को दुकान पे बिठाऊंगा, सारा दिन इसके सराहने बैठा रहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं रखूंगा ख्याल। हाँ तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कोई। नहीं नहीं अम्मी जी, नहीं इम्तियाज मेरा दिल नहीं मानता, इस हालत में इसको छोड़ के चली भी गई ना तो ध्यान मेरा इसकी तरफ ही लगा रहना, मैं भी नहीं जाती आज काम पे।
चल सही है, कोई गल नहीं, मर्जी तेरी। मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ, अभी बेगम साहब गुस्से में आएंगी, तुझे नौकरी से निकाल देंगी। अच्छे घर मिलना बड़ा मुश्किल होता है आजकल ना, मर्जी है तेरी। खाएगी कुछ है? चाय बना दूं तेरे लिए, चल थोड़ा सा दूध पी ले। चल कोई बात नहीं, कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग टॉप 25 में तो आ गए हैं, लेकिन इस बात की खुशी नहीं मनानी हमें। हम लोग को उन 12 बैंड्स में आना है जो फाइनली जाके टीवी शो पर परफॉर्म करें। आजकल के इस दौर में जब हर म्यूजिशियन बैंड अपने आप को मनवाने के लिए इतना डेस्परेट है, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इस टीवी शो पे जाने का मौका मिल रहा है, जिससे हम सिर्फ एक कदम दूर हैं। तो प्लीज गाइस, कल कोई गलती नहीं होनी, कल हम अपना 100% नहीं 200% देंगे, ओके? रॉजर सर। रॉजर कैप्टन, मुझे मतलब तो नहीं पता, लेकिन रॉजर इसका मतलब होता है आहो जी। सज्जो, वो कहाँ गुम है, क्या सोच रही है? सेबो के बारे में सोच रही थी, कल कह रही थी उसके सिर में पील, आज कह रही है उसके पेट में दर्द हो रही है। मुझे तो लगता है वो स्कूल ना जाने के बहाने ही बनाई जा रही है। अच्छी भली ठीक है, पर उसके चक्करों में मेरी भी रोज की छुट्टी हो जाती है। वो तो तू थोड़ी सख्ती करना, डांट डूंट उसको, स्कूल पे जबरदस्ती, मुझे क्या दौड़ है छुट्टी करने की। अच्छी वही नौकरी तेरी तो देख, यहाँ तो मुझे कहीं दूर जाना होता ना नौकरी के लिए, फिर तो तू घर बैठती भी उसके सराहने। एक घर के बीच में तो मेरी दुकान है, पूरा दिन उसका ख्याल रख सकता हूँ, तुझे परेशान होने की लोड़ ही नहीं है। बात तो तू ठीक कर रहा है मतियास, कल मैंने उसको भेजना ही भेजना है स्कूल, चाहे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े, खुद भी जाऊँ फिर काम पे, कितनी छुट्टियाँ पहले ही हो गई मेरी। सही बात है। अच्छा बात सुन, ये रख ले पैसे। ये क्या है इम्तियाज? खर्चे पानी के लिए, घर का खर्चा नहीं चलाना तुम, रख। अभी पिछले हफ्ते तो तूने मुझे खर्चा दिया, और पूरा हफ्ता जितनी देर जेबो बीमार रही है, दूध गोश्त फल सब्जी सारा कुछ तू ही तो लाता रहा, मैंने क्या करना है इसका? ओए जहरी सी बात है, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है ना, तू और जेबो कौन रखेगा तुम दोनों का ख्याल है? मेरा ही काम है ना, ये ले रख ले, रख ले रख ले। अब बात सुन, तेरी तनख्वाह आती है ना उसको जमा कर, कमेटी शमेटी डाल ले, कुछ सोने की चीज बन जाएगी तेरी। चल मैं निकलता हूँ। और बात सुन, जो हांडी बनाएगी ना जेबो से पूछ के बनाई, उसकी पसंद की, बीमारी से उठी है बेचारी, मुंह का जायका खराब होगा, बच्ची है, हैं? उसकी मर्जी की चीजें पका दें उसको, ठीक है? तूने भी ना बिगाड़ बिगाड़ के किसी काम का नहीं छोड़ना उसको। और नहीं बिगड़ती, छोड़। चल मैं निकल रहा हूँ। कितना प्यार करता है तो उसके साथ इम्तियाज, कितना ख्याल तो उसका अपना सगा बाप नहीं रखता था उसका जितना तू रखता। तो जी हार्मोनिक्स, कैसा लग रहा है आप लोगों को? टॉप 25 पे पहुंच गए हो यार, यू मस्ट बी सुपर एक्साइटेड। अच्छा लग रहा है सर, लेकिन हमारी असल कामयाबी तो टॉप 12 में आना ही है। आप लोग चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? और स्ट्रिंग्स के और जुनून के सॉन्ग्स आप लोगों ने तैयार कर लिए? लेकिन याद रहे, हमें स्ट्रिंग्स और जुनून का म्यूजिक नहीं सुनना है, हमें हार्मोनिक्स का म्यूजिक सुनना है, ओरिजिनल म्यूजिक जिस पे एक बैंड की अपनी एक साउंड होती है, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। आपको बिल्कुल हमारा साउंड फ्रेश लगेगा, एक्चुअली हम किसी को कॉपी नहीं करते। Oh, that's very good. बिल्कुल, I think अगर original sound जो आता है, जैसे मर्जी गाना क्यों ना, आपको उसके अपने अपना पन लेके आना चाहिए। बिल्कुल, I think that's very important. But I think before we proceed, मेरे ख्याल में इन सब का introduction हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पहले नहीं पता था कि कौन है, कहाँ से आए हैं। मैं अपने से शुरू करता हूँ। I'm Arsh and I'm the vocalist and guitarist of the band. मैंने अभी अपने final exams दिए हैं and I plan to pursue law after this. लेकिन music मेरा passion है और इनफैक्ट बचपन में मैंने बोलने से पहले गाना शुरू किया था, सो आई डोंट प्लान ऑन लीविंग म्यूजिक एट ऑल, दैट्स अबाउट मी।
चले फरवा से बात करते हैं। फरवा, आप कहाँ से आई हैं और आपका म्यूजिक के बारे में कैसा पैशन है, कितना पैशन है आपको, कितना अच्छा लगता है? फरवा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। फरवा, मिस फरवा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं जी, मेरा नाम फरवा नहीं है। मेरे को मीरा कहते हैं। आपकी फीमेल वोकलिस्ट का सारा बायोडाटा हमारे पास मौजूद है फरवा मुराद का। कहाँ है वो? वो एक्चुअली फरवा को हमारा बैंड छोड़ना पड़ गया। उसके पेरेंट्स उसे सिंगिंग की परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन एक तरीके से वो अभी तक हमारे बैंड का हिस्सा है, हमारे लिरिसिस्ट के तौर पर। जो ऑडिशन पे हमने गाना परफॉर्म किया था वो फरवा ने लिखा था। वोकलिस्ट आप कोई और ले आएंगे ना? फरवा है, खुद कह रही है कि फरवा नहीं है। Please just give us one chance to show you what we can perform. सबसे पहले तो ये बात ही ठीक नहीं है कि आपने झूठ का सहारा लिया। आप प्रोड्यूसर को बताते अगर फरवा चली गई थी। मेरे हिसाब से I don't think so कि आपको अब इस शो का हिस्सा होना चाहिए। सजना, मैं तेरे को ले आड़ा।